अस्सलाम वालेकुम माय ड्यू फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दो दिन से मैंने रेसिपी नहीं डाली, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि दो दिन रोजा था और मस्कत में बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि चूल्हे के पास आने कुछ करने का दिल नहीं होता, लेकिन काम जो रहता है वो तो करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको मुहर्रम स्पेशल चोंगे बनाना बता दे रही हूँ और एक है ना रबड़ी, कैरेमल रबड़ी दूध का शरबत बनाना बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने इधर पे ले लिया है 2 कप मैदा, ये मैंने पहले से ही मेजरमेंट करके रख लिया है। और 2 कप मैदे में हम डाल देंगे 2 चम्मच घी और इसको अच्छे से मसल लेंगे और 1 चुटकी नमक डालेंगे। तो इधर मैं 2 चम्मच घी डाल ले रही हूँ, 1 चुटकी नमक डालेंगे। आप सोचेंगे मीठा, मैं ये मीठे तो आप सोचेंगे मीठा बना रहे तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, तो नमक 1 चुटकी डालने से कुछ नहीं होता है, मीठा बैलेंस हो जाता है और टेस्ट भी इसका अच्छा आता है। तो इसमें मैंने 2 चम्मच घी और 1 चुटकी नमक। अब इसको हम घी में अच्छे से मैदे को मसलना है, मैदा लिया था मैंने इधर 2 कप, तो इसको अच्छे से मसलना है। देखिए जैसा हाथ में आपको अच्छे से टाइट बन जाता है ना, तो समझो ये ठीक है, नहीं तो फिर हम इसमें और घी, 1 चम्मच घी और डालूँगी मैं क्योंकि ये मेरे को कम लग रहा है। तो 1 चम्मच घी और डालेंगे, इसको अच्छे से मसलेंगे और हाथ में से मुट्ठी बना के देंगे, देखेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के नरम डो लगा लेंगे। तो देखिए घी कम लग रहा था तो मैंने 1/2 चम्मच घी और डाली हूँ। ये देखिए घी डाल के मैंने इसको रफली इस तरीके से रगड़ लिया था, तो इस तरीके से होता है। देखिए अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना एक नॉर्मल सॉफ्ट डो बना लेंगे, जिस तरह हम रोटी का आटा बनाते हैं ना इस तरीके से सॉफ्ट डो गूनना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गून रही हूँ मैं, दूध से भी गून सकते हैं लेकिन दूध से जल्दी ख़राब हो जाता है, आपको जल्दी खाना होता है। लेकिन आप पानी से बनाओगे तो थोड़े देर आप 2-3 दिन इसको रख के खा सकते हो, तो इसलिए मैं पानी से गूंदूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को मैंने सॉफ्ट गून लिया है, अब इसको रख देते हैं एक साइड में। और इधर मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच घी डाला हुआ है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं मैदा डालूंगी और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हम जब रोटी बेलेंगे ना तो उसमें लगाएंगे, इसको बोलते हैं सांड। इसका पेस्ट बना के हम इसको जब इसके पेड़े बनाएंगे जब ना, तो सब इसको हम लगाएंगे, जितने भी पेड़े बनते बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमको इसको पराठे में, रोटी में लगाना है, फिर हम इसके रोल बनाएंगे। तो ये बन गया, इसको अभी रख देते हैं साइड में, अभी हम इसको बेलना शुरू करते हैं। तो इधर मैंने ले लिया है पटला रोटी बेलने के लिए, और ये जो हमारा घी का रेडी करे थे वो है, और इधर पे मैं रख ले हुई है, इसके हम बना लेंगे पेड़े छोटे छोटे से। इस तरह के पेड़े बना लेते हैं फिर इसको बेल। तो इस तरीके से मैंने पेड़े बना लिया था, तो इसमें 6 पेड़े बन गए, ये 6 पेड़े हैं। अब मैं इसको रख देती हूँ इधर बॉल में और एक को हमको बेलना है। एक पेड़ा ले लिया मैं, इसको बेलेंगे, पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, और सबको बेल के रख लेंगे। देखिए मैंने बेल लिया इसको, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, इसी तरीके से हम सारे बेल लेंगे, इसी तरीके से हम पूरे बेल लेते हैं 6, फिर मैं आपको बताती हूँ। 6 रोटी बनी थी तो इधर मैंने 6 बेल लिया है, 4 इधर है और 2 मैंने इसके अंदर रखा है। अब इसको हम रोल करेंगे, कैसे बनाना वो मैं आपको बताती हूँ। इधर मैंने 1 रोटी ले ली है, इसके अंदर मैंने जो घी और मैदे का मिक्सचर बनाया था ना वो हम इस पर लगाएंगे, अच्छी तरीके से लगाना, अगर कम पड़ता तो और बना सकते हैं आप इसको, खाली मैदे का और घी को घोलना है बस। ये लगा दिए, सब तरफ अच्छे से लगाना है इसको, ये हो गया। इसके ऊपर हम दूसरा रोटी रखेंगे इस तरीके से, फिर इसके ऊपर हम यही इसका मिक्सचर लगाएंगे वापस। इस तरीके से मैंने 6 रोटी बनाई थी, तो 6 हम इस तरीके से बना लेंगे। इस तरह से मैंने 6 रख दिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा 6। अब हम इसको रोल कर लेते हैं, टाइट रोल करना है।
को पतला करना है थोड़ा सा, इस तरीके से करेंगे ना तो ये थोड़ा पतला होएगा। बस अब हम इसके पीसेस काटेंगे। जितने आपको बनाने उतने, ये देखिए ये हम इस तरीके से कर लेंगे। काट के इसको इस तरीके से बना लेंगे। सब सारे मैंने काट के रख लिए, इस तरीके से बना लिए। अब इसको रख देंगे एक साइड में और इसको हल्का हल्का सा हमको बेलन मारना है। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना, बहुत ज़्यादा जाड़ा नहीं करना, हल्का सा बेलन मारेंगे। इसकी परत है ना दिखनी चाहिए, बस बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। बस इस तरीके से हम उसको बेल लेना है, बस इसी तरीके से। परत इसकी खुली नहीं है, थोड़ी सी परत को दबा देना बस। थोड़ा सा मैं और पतला कर लूँगी इसको, हल्का सा पतला करना। ये देखिए इधर मैंने सारे बेल लिया है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, इस तरीके से मैंने सब बेल के रख लिया है। तो हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। तो तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल जब गर्म होएगा ना तो मैं इसको डाल के फ्राई करूँगी। मीडियम आँच पर हमको फ्राई करना है, क्रिस्पी फ्राई करना है इसको। तेल इधर गर्म हो गया और इधर मैं ना इसको शीरे में डालेंगे फ्राई करके, इसलिए मैंने इधर एक कप शुगर में हाफ कप पानी डाल के इसको पका लिया था। जब मैं आटा गूंद रही थी ना उस टाइम पे इसको पकने के लिए रख दिया था, तो इसको शीरा बन चुका है। तो मैं इसको निकाल दूंगी एक बॉल में, ताकि जब हम इसमें पूरी डालें ना तो ये अच्छे से इसमें डिप हो, क्योंकि इसका मुँह छोटा है, पूरी इसमें डिप नहीं हो सकी। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे पूरी। हल्की आंच पे फ्राई करना है, इसको क्रिस्पी फ्राई करना है। एक साइड होने देते, बाद में इसको पलटी करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी परत खुल के आ रही है। ये देखिए पलटी करेंगे, उस तरफ भी इसको फ्राई करेंगे और क्रिस्पी फ्राई करना है। देखिए इस तरफ गोल्डन हो गई है, इस तरफ भी हम इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई करेंगे। पहले एक साथ में सब फ्राई कर दूँगी, फिर मैं इसको शीरे में डाल डाल के निकालूँगी। बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुई है, देखिए इसकी परत देखिए कैसे खुल के आई है। बस हम अभी इसी तरह सबको फ्राई कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है इधर वाइट है तो थोड़ा सा और इसको फ्राई कर लेते हैं। ये साइड में बराबर है, ये साइड में थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं, ये साइड बराबर है। बस हमको लाइट गोल्डन चाहिए, ज़्यादा जलाना नहीं है। थोड़ा सा मैं उस साइड और कर लूँगी, फिर हम निकाल लेंगे। बस हो चुकी है, अरे इस तरीके से हम सारे कर लेंगे। कितनी अच्छी इसकी परत खुली है देखिए, और क्रिस्पी भी फ्राई हुई है, मैं आपको बताऊंगी भी। इसी तरीके से हम सारे फ्राई कर लेते हैं। शीरा जो मैंने बनाया था वो तो हर किसी को बनाने आता है, जिस तरह गुलाब जामुन का शीरा बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है। ये देखिए सारी को मैंने फ्राई कर लिया था, सब बहुत ही क्रिस्पी। देखिए क्रिस्पी लग रही है आपको, सब क्रिस्पी। और इधर मैंने जो शीरा बना के रखा था, मैंने इसको एक बॉल में डाल दिया। और शीरा हल्का सा गर्म होना चाहिए, नीम गर्म। अब इसके अंदर ये डालेंगे हम, और बहुत टाइम तक नहीं रखना है, बस इसको उल्टा पलटी करके निकाल लेंगे। शीरा हमारा हल्का सा गर्म है तो बस इसको निकाल लेना है। इसी तरीके से सारे हम इसी तरीके से करेंगे, इसको निकाल लेंगे अभी। ये देखिए मैंने इसको शीरे में उल्टा पलटी करके निकाल लिया है, बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखिए अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ड्राई कोकोनट
सब पे हम इसी तरीके से करेंगे, सब पे डालेंगे। इस पे डालूंगी थोड़े से तिल, क्योंकि मेरे पास खशखश नहीं है, तो मैं इसके ऊपर तिल डाल रही हूँ थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, काजू बादाम पिस्ता जो भी आपके पास, इस तरीके से डालेंगे सारे। इस तरीके से बना लूँगी फिर आपको बता दूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार से रसीले क्रिस्पी हमारे चोंगे रेडी है। मैं पूरे पे कर लूँगी फिर आपको लास्ट एक बताऊँगी। मैंने सारे बना के इस तरीके से रख लिए थे, तो हमारे चोंगे रेडी हो गए हैं, मुहर्रम स्पेशल है। अभी मैं आपको एक शरबत भी बनाना बता रही हूँ। तो ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अब मैं बना लेती हूँ रबड़ी कैरेमल दूध शरबत। बनाने के लिए मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा कम दूध लिया है, तो कैरेमल रबड़ी शरबत बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया 1/2 कप शुगर, इसको हम बना लेंगे कैरेमल। बस इसको होने देते हैं, शुगर जैसे ही गलेगी ना, ब्राउन होएगी, फिर हम इसमें डाल देंगे दूध। इधर देखिए 1/2 कप को शुगर डाल के मैंने इसको कैरेमल बनाना है, तो इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बस 1/2 कप शक्कर डाल के इसको पकने देंगे। जैसे जैसे शुगर मेल्ट हो जाती है ना, तो ये खुद ही कैरेमल बनता जाएगा, पूरी शुगर गल जाएगी जब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो दूध मैंने 1 लीटर लिया, 1 लीटर से थोड़ा सा कम है, तो दूध डाल देंगे। तो और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बाकी जगहों पे कुछ जगह जगह गर्मी है, कुछ जगह मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, इंडिया में बारिश हो रही है, इस तरह पाकिस्तान में भी बारिश हो रही है, कुछ जगह गर्मी है इस तरीके से ना, लेकिन मस्कत में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि चूल्हे के पास जब हम जाते तो हालत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है कि एसी काम नहीं कर रही है, ऐसा हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। तो बाकी सब जगह मौसम का भी अपना अपना चेंज है, अब सब जगह मौसम चेंज हो गया है, सब जगह थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, कुछ जगह पे है गर्मी और इसी तरह मस्कत में भी है गर्मी। तो देखिए इधर पे शुगर मेल्ट हो गई, अब इसमें मैं डाल दूँगी दूध। तो देखिए नहीं, जब हम दूध डालेंगे ना, तो ये टॉफ़ी की तरह नीचे जम जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो जैसे जैसे गर्म होता जाएगा ना दूध में, तो ये गलता जाएगा दूध, जैसे जैसे गर्म होता जाएगा नीचे, पहले चिपक जाता है दूध डालते बराबर, क्योंकि कैरेमल है ना टॉफ़ी जैसा बन जाता है, तो फिर वो ऐसा ऐसा जब दूध गर्म होता जाएगा ना, तो नीचे ये गलता भी जाएगा और ना इसका दूध का कलर भी चेंज होता जाएगा, दूध का कलर भी है ना हल्का सा ब्राउनिश गोल्डन होता जाएगा। तो इसमें हम डाल देंगे दूध। अभी देखिए दूध डालते वक्त किस तरीके से हो जाएगा ये, और थोड़ा सा इसको संभालना है हाथ वगैरह, कि ये हाथ पे नहीं पड़े, क्योंकि ये जल बहुत ज़्यादा चिपकता है तो जलता है। देखिए दूध डाले ना नीचे, देखिए बिल्कुल ये टॉफ़ी की तरह हो गया। तो ये दूध जैसे जैसे गर्म होएगा तो गलता रहेगा, टेंशन की कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें कैरेमल देखिए नीचे चिपका हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा सा मैं हिला रही हूँ ना, तो नीचे नीचे चिपक रहा है, लग रहा है कि नीचे चिपका हुआ है। तो जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा ना, तो ये मेल्ट होता जाएगा और दूध का कलर भी हमारा लाइट गोल्डन होता जाएगा। अभी से देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो जब ये मेल्ट होगा ना लाइट, ये इसका दूध का कलर भी चेंज होगा। फिर इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को घोल के डालेंगे, आप चाहे तो कस्टर्ड भी डाल सकते हैं। तो जो कलर का मैं कैरेमल बना रही, तो कैरेमल का कलर रहेगा, इसमें कोई दूसरा कलर नहीं डालेंगे। तो 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मैं घोल के डाल दूँगी, फिर उसके अंदर हम डाल देंगे, ठंडा करेंगे इसको, फिर उसके अंदर जो हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे चॉप करके, और इस जो शरबत में बीज डालती हूँ, बीज को मैंने भिगो के रखा हुआ वो डाल देंगे, और आइस क्यूब डाल के सर्व करेंगे ठंडा चिल, इसको पीना है। ये देखिए अभी कैरेमल हमारा गल चुका है अंदर, देखिए आपको बिल्कुल अभी कैरेमल नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दूध गर्म होते जाएगा ना, तो शुगर गलती भी जाएगी। तो देखिए लाइट गोल्डन इसमें कलर भी आ गया कैरेमल का। अब इसमें डाल दूँगी मैं कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर घोल के रखा है, आप चाहे तो इसमें इस वक्त कस्टर्ड भी डाल सकते हैं, जो कलर भी आपको चाहिए वो कलर का, या वैनिला कस्टर्ड कुछ भी डाल सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा हमको इसको थिक नहीं चाहिए, हल्का सा थिक चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसमें आइस क्यूब डालूँगी ना, फिर ये और पतला हो जाएगा। तो देखिए ठीक हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। शरबत को मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था, देखिए इसके ऊपर इस तरीके से मलाई जम गई है, और ये थोड़ा सा ठीक हो गया और ठंडा भी हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और इसका कलर देखिए बहुत अच्छा आया। अब इसमें ये ठीक लग रहा है ना, लेकिन इसमें आइस क्यूब डालेंगे तो ये हो जाएगा। इसके अंदर मैंने जो सब्ज़ी की बीज भिगो के रखी थी, जो हम शरबत में डालते हैं ना, वो डाल देंगे। और इसके अंदर मैंने बादाम काजू को पिस्ते को काट के रखी हूँ, वो डाल देंगे। आप अपने हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते डालेंगे।
थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ, गिलास में ऊपर से डालूँगी। अब इसको हम मिक्सिंग कर लेते हैं। अभी मैं इसको गिलास में डालूँगी। ये देखिए अभी मैं इसके अंदर ना ग्लास में आइस क्यूब डाल दूँ, अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी शरबत। मैं भी डाल देंगे, और इसमें जो थोड़े से मैंने बादाम काजू भिगाई हो ना, बचाई हो ना, वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये हमारा रबड़ी और कैरेमल दूध का शरबत रेडी हो गया, बहुत ही मज़े का टेस्टी बना है। अब चोंगी भी मैंने रेडी कर लिया, आपको तोड़ के बता दिए। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अभी बहुत ही क्रिस्पी देखें, अभी मैं इसको तोड़ के भी बता देती हूँ। ऊपर तेज़ में निकली।